हाय स्वीसी टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई एक भाई का जो है ये था कि कूलिंग टावर में कितनी ये जो लाइनें हैं और या फिर कूलिंग टावर की मोटर, तो कूलिंग टावर की मोटर यानी मतलब केवल उसके जो फैन मोटर होती है, बाकी कूलिंग टावर तो बस एक जो वॉल होती है, चारों तरफ से दीवार होती है, बाकी साइड साइड फिन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है इंड्यूस टाइप कूलिंग टावर है, यानी जो है ये मैकेनिकल कूलिंग टावर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है ये जो नेचुरल। नेचुरल यानी कि एटमॉस्फेरिक हवाओं से ठंडा होने वाला, उसके अंदर फैन यूज नहीं होता, ठीक है। उसको हम केवल जो प्लांट यानी जो है जो हैवी प्लांट होते हैं, जैसे जो पावर प्लांट होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां पे उसको इंस्टॉल किया जाता है। वो हैवी प्लांट, वो हैवी जो है वो कूलिंग टावर होते हैं, वो हमारे एसी प्लांट के लिए यूज नहीं होता। हमारे एसी प्लांट के लिए हम लोग मैकेनिकल ड्राफ्ट के ही कूलिंग टावर यूज करते हैं। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंड्यूस, दूसरा होता है फोर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है इंड्यूस टाइप होता है। इंड्यूस टाइप की पहचान ये होती है कि उसके फैन जो है हमेशा ऊपर साइड में लगते हैं। जैसे आप वहां पे देख रहे हैं, वो सामने आप देख लीजिए, वो हमारा वहां पे जो है ऊपर मोटरें लगती हैं। तो वो अगर ऊपर मोटरें लगी हुई हैं और एयर जो है साइड से खींच के वो जो है हीटिंग जो है ऊपर फेंक रहा है, तो हमारा इंड्यूस होता है। और बात करते हैं हम जो फोर्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फोर्स में ये होता है जैसे तीन साइड जो है दीवाले हैं और एक साइड से ये जो है हमारी फिन्स की जगह पे एक फैन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो साइड से अगर फैन लगा हुआ है तो वो बाहर से हवा खींच के वो डायरेक्ट पानी को देता है, वो हमारा फोर्स ड्राफ्ट होता है, समझ गए। फोर्स ड्राफ्ट में और इंड्यूस ड्राफ्ट में, इंड्यूस में हमेशा फैन ऊपर लगता है और फोर्स में हमेशा साइड से लगाया जाता है, तो ठीक है। तो ये हमारा जो है, मैंने आपको क्या बताया, मैकेनिकल ड्राफ्ट का इंड्यूस टाइप कूलिंग टावर है। तो इसके अंदर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगता है। पहली चीज़ आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। तो चलिए मैं इसके पहले आपको अंदर का ये जो पार्ट दिखा दूँ। देखिए, ये कूलिंग टावर की कैपेसिटी आपको दिखा दूँ, इसकी केवल एक कूलिंग टावर नंबर 3 है, टावर ए एंड टावर बी, यानी कहाँ के लिए ये जो प्रोवाइड कितने में कर रहा है। कैपेसिटी 818 TR, फ्लो रेट 1950 GPM, GPM यानी गैलन पर मिनट होता है कि एक GPM में कितना उसका फ्लो रेट चल रहा है। देखिए, ये इसका इंटरनल पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये हम पानी का लेवल मेंटेन है। फिर उस भाई ने ये कहा है कि इसकी मोटर देखने, देखिए ये हमारी वी बेल्ट से चल रही है ये मोटर, ठीक है। 7.5 kW की इसकी एक मोटर है, ये इसकी मोटर है, ये इसका फैन है, एक्सियल टाइप का फैन है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फैन लगाए हैं केवल एक कूलिंग टावर में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 818 TR का केवल यही कूलिंग टावर है, एक नंबर, ठीक है। दोनों साइड फिन्स है इसकी, ये दोनों इंड्यूस में क्या है, देखिए ये फैन जो है ना, ये साइड से एयर इस फिन्स से खींचता है, तो फिन्स से ये पानी जो है ना गिरता रहता है नीचे, और वो पानी थोड़ा थोड़ा जब गिरता है ना, बाहर से हवा खींच के ये उस पानी को ठंडा करके हीटिंग को बाहर फेंक देता है, ठीक है। और ये पानी जो है तुम्हारा इनलेट आउटलेट। अब बात करते हैं ये लाइन कौन सी है, देखिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारी मेकअप लाइन है, ठीक है। और ये इसका जो है फ्लोट, ये होता है फ्लोट वाल, यानी एक जो बॉल वाल तुम्हारा जो है, ये जो पानी का लेवल जैसे ही ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिक यहां से जो है ऑफ कर देता है, और जैसे ही पानी का लेवल कम होगा ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो है ना ये होती है बॉल, ये प्लास्टिक की होती है, तो प्लास्टिक में क्या होता है, पानी में ये जो तैरेगा तो ऊपर नीचे ऑटोमेटिक होएगा, यानी इसको इसके लिए लगाया जाता है इस बॉल वाल को, कि अगर पानी का लेवल कम हो तो ये ऑटोमेटिक वहां पानी आना स्टार्ट हो जाए, और पानी का लेवल ज्यादा हो तो ये ऑटोमेटिक ये पानी के साथ साथ ऊपर भी आ जाएगा, तो यहां से लॉक हो जाएगा। ये हमारी है जो है, ये हमारी ड्रेन लाइन, वो जो है यानी ओवरफ्लो लाइन है, ये जब कूलिंग टावर ओवरफ्लो होगा तो यहां से ओवरफ्लो लाइन के साथ बह जाएगा। ये हमारी जो देख रहे हैं, मोबाइल को थोड़ा टाइट पकड़ता हो नहीं तो गिर जाएगा अंदर ही। तो ये जो है हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। यहाँ से पानी हमारे कंडेंसर में जा रहा है, एक लाइन यहाँ से दी गई है, एक लाइन वहां से, वही सेम सिस्टम वहां पे गया है, तो ठीक। इसके अंदर हमारा फैन लगा हुआ है, और बाकी ये जो है हमारी मेकअप लाइन, जो हम यहाँ से फ्रेश वाटर देते हैं, ये हमारी ओवरफ्लो लाइन और यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन, बाकी ऊपर साइड से हमारी इनलेट लाइन होती है जो हमारी कंडेंसर से आती है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ठंडा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके नीचे की, नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ कौन कौन सी लाइनें इसके अंदर मेजर जो है, मेन पांच लाइनें होती हैं,
ठीक है, पांच लाइनें होती हैं मेन, देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, ये लो हम आगे नीचे नीचे देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाली सीधी देख लीजिए, वहां से वहां तक ये हमारी लाइन होती है। जितने भी कूलिंग टावर आपके पास हो, एक हो चाहे दस हो, ये लाइन हमेशा खुली रखिए। कि खुली मतलब ये है कि ये सारे कूलिंग टावरों को मेकअप करती रहती है, मेकअप यानी कि सब सबका वाटर जो बैलेंस करके रखती है। देखिए ये जहां तक हमारे पास पांच कूलिंग टावर है एसी के, ठीक है, तो पांचों कूलिंग टावर की लाइन हमने यहां से खोल के रखी है, तो ये पांचों कूलिंग टावर का पानी मेंटेन करके रखती है। अगर एक कूलिंग टावर का पानी कम होगा तो सारे कूलिंग टावर का पानी कम होगा। इससे ये होता है कि हमने अगर पानी एक बार हम जो भर देते हैं कूलिंग टावर में ठीक से, ठीक है, तो आराम से जो है कंडेंसेशन जो है यानी एवापोरेशन कम होता रहता है, और पानी की हम मतलब एक बार कूलिंग टावर भर के हम 3 से 4 घंटे आराम से प्लांट चला सकते हैं। बार बार हमें कूलिंग टावर भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस लाइन को ओपन कर देते हैं। अगर इसका वाल हम ऑफ कर देंगे तो हमारा एक ही कूलिंग टावर ये जो है जल्दी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे सारे कूलिंग टावर का पानी, चाहे भले ही आपका कूलिंग टावर एक ही चल रहा हो, लेकिन ये बैलेंसिंग लाइन आप खोल दीजिए, ये वाली, इसको इक्वलाइजर भी बोला जाता है, इक्वलाइजर लाइन या बैलेंसिंग लाइन या मेकअप, यानी जो है ये जो बैलेंस करती है सब में, तो ये होती है बैलेंसिंग। ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये होती है ड्रेन लाइन। जब क्लीनिंग होती है या फिर पानी को ये बाहर करना रहता है तो क्लीनिंग होने से ये जो ड्रेन लाइन काम करती है, यहाँ से हम जो ड्रेन लाइन यानी खराब वाटर जो है फेंक देते हैं। फिर आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट वाली लाइन जो पीवीसी देख रहे हैं, ये हमारी मेकअप लाइन है। जब हमारा कूलिंग टावर खाली हो जाता है, खाली होते ही क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जो है फ्रेश वाटर ऐड करते हैं, फ्रेश वाटर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक भर जाता है पानी। तो ये पीवीसी पाइप व्हाइट वाली हमारी मेकअप लाइन है। फिर आप दो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइन ये है वो आगे वाली, वो हमारी कहाँ जा रही है, वो हमारी जा रही है कंडेंसर, हमारा खींच रहा है यहाँ से पानी, यानी कंडेंसर की इनलेट है और कूलिंग टावर की डिस्चार्ज है। एक वो लाइन है और एक वहां से देखिए वो साइड में, यानी दोनों सेक्शन से वो खींच रही है। तो पांच लाइनें, पहली होती है ये जो बैलेंसिंग यानी जो है इक्वलाइजर, दूसरी होती है हमारी ड्रेन लाइन ये ब्लैक वाली, तीसरी हमारी ये जो मेकअप लाइन, चाहे कोई भी कूलिंग टावर हो, एसी में काम कर रहे हैं तो यही आपको मिलेगा चिलर प्लांट में, और बाकी एक होती है इसकी जो डिस्चार्ज, और पांचवी होती है वो जो आप ऊपर से देख रहे हैं वो हमारी इनलेट है जो कूलिंग टावर में गिर रही है इसका पानी जो है ठंडा करने के लिए। ओके, तो पांच लाइनें इसकी हैं, बाकी ये आपका कूलिंग टावर के ऊपर फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके ये मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं, बाकी इसके अंदर कैसे इसकी क्लीनिंग होती है, क्या क्या TDS PPM PH कैसे निकाला जाता है, उसकी मैंने आपको वीडियो अपलोड की हुई है। कुछ भी इससे रिलेटिव और भी हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।